Bismillahirrahmanirrahim. I am Aftab Pardesi. आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ. दोस्तों, मैं हर रोज अपनी एक नई वीडियो चढ़ाता रहता हूं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Adobe Photoshop 7 में किस तरह हम अपनी पिक्चर का जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तस्वीर बना सकते हैं हम अपनी तस्वीर को. ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम अपना Adobe Photoshop जो है ओपन करेंगे. मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है. उसके बाद हम अपनी पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे. यहां आप ड्रैग भी कर सकते हैं. ठीक है, ये देखें, मैं अपनी पिक्चर को इंपोर्ट कर रहा हूं. ये पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन कर रहा हूं मैं. इसके बाद दोस्तों देखें, मैं आपको आज ये बहुत ही आसान तरीके से जो है वीडियो वो पिक्चर का जो है बैकग्राउंड चेंज करने का बताऊंगा. आज मैं मैग्नेटिक लैसो टूल यूज करने के बारे में बताऊंगा, कैसे मैग्नेटिक लैसो टूल की मदद से हम अपनी पिक्चर को कट कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. ये रंग को ऑटोमेटिकली कैच करता है. ठीक है, देखें कि मैं शुरू करने लगा हूं. मेरे दोस्तों, ऐदे नाल तुसी अपनी पिक्चर नु मजीद घेंट बना सकते हो. ठीक है, ए देख रहे हो ऑटोमेटिकली रंग नु फाड़ रहा है. देख सकते हो कितनी सफाई दे नाल रंग नु फाड़ रहा है. बहुत ही आसान तरीके नाल है जेड़ा तस्वीर दा बैकग्राउंड तुसी चेंज कर सकते हो Adobe Photoshop 7 इच. इस तो बाद एडिट जाए कॉपी या फिर तुसी कंट्रोल प्लस सी भी दबा सकते हो. उस तो बाद अपनी बैकग्राउंड तस्वीर जेड़ी लानी हो उन्हें इंपोर्ट कर लेने या तुसी ड्रैग भी कर सकते हो. इंपोर्ट करने लिए फाइल जाके ओपन या फिर तुसी कंट्रोल ओ भी दबा सकते हो या तुसी फाइल नु डायरेक्ट ड्रैग करके लेके आ सकते हो. ठीक है, ऐ देख सकते हो कि मैं डेस्कटॉप पे अपनी तस्वीर रखी हुई है ते उन में जरा इंपोर्ट कर लेने लगा. देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप पे से इंपोर्ट किया मैंने. ये मेरा बैकग्राउंड आ गया और एडिट में जा पेस्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस वी दबा सकते हैं आप. ठीक है, इसके बाद ये देखिए तस्वीर मेरी बड़ी है. इसको हम फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे. एडिट में जाए फ्री ट्रांसफॉर्म या फिर कंट्रोल प्लस टी भी दबा के फ्री ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. ठीक है, इसके बाद अपनी पिक्चर का साइज जो है बैकग्राउंड के हिसाब से साइज कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं जितनी भी आप चाहें. ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैं अपनी तस्वीर का साइज यहाँ फिक्स करने लगा हूं. ठीक है, मुझे इतनी तस्वीर चाहिए, ये मेरा साइज हो गया फिक्स. ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि अपनी तस्वीर को जूम करके देखना है कि कहीं कोई बैकग्राउंड की जो है वो इमेज नजर तो नहीं आ रही. उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे जो है जूम का ऑप्शन है, ये देखें साइड में इधर जूम का ऑप्शन है, इधर से जूम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं या कंट्रोल माइनस है. कंट्रोल माइनस जो है जूम आउट के लिए है, कंट्रोल प्लस जो है जूम इन के लिए है. ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड की जो है पिक्चर अभी बाकी थी, वो कलर नजर आ रहा था इसलिए उसको रेजर से लिया, रेजर और रेज कर दिया. ठीक है, अभी देखना है कहीं और तो नहीं बाकी.
ठीक है, ये देखें यहां पर भी नजर आ रहा है, तो यहां से भी रिमूव कर देंगे। ये देखना है जरूरी कि आपके बाल उड़े हुए ना हो, और बहुत ही ध्यान रखना है कहीं कपड़ा ना कट हो जाए या कोई बॉडी का पार्ट जो है कट ना हो। बहुत ही सफाई का काम है ये। देख सकते हैं कि मेरी तस्वीर कैसे जो है आसानी से, मैं बहुत ही आसानी से इसको बैकग्राउंड चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, देख सकते हैं अब कहीं भी जो है वो नहीं नजर आ रहा बैकग्राउंड तस्वीर का। ठीक है, अभी जूम आउट करेंगे, ये थोड़ा सा है था। हाँ ठीक है, ये रिमूव करने के बाद मैं जूम आउट करूंगा। देख सकते हैं जूम आउट हो गई है, अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे बाद में। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस और माइनस से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन ये सेट नहीं है अभी हुई। अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप कंट्रोल प्लस टी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट में जाए फ्री ट्रांसफॉर्म, इससे आपको फोटो का जो है कहीं भी साइज है, कोई साइज भी फिक्स कर सकते हैं, कहीं भी फोटो को मूव कर सकते हैं अपनी को। ठीक है, ये देखें हो गई है मेरी तस्वीर कंप्लीट। ठीक है, ये बैकग्राउंड बन गया। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की बहुत ज्यादा वीडियोस भेजता रहूंगा। और हाँ, ये देखें सेव करने का तरीका, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं। फिर अपना नाम लिखें, जो भी तस्वीर का देना चाहें। मैं दे रहा हूँ आफ्ताब परदेसी। ठीक है, इसके बाद फाइल फॉर्मेट जेपीईजी रखना है। ठीक है, जहां सेव करना है वो लोकेशन सेट करें और सेव कर दें। मैंने जो है डेस्कटॉप पे सेव की है। इसके बाद जेपीजी ऑप्शन में जितना साइज आपको चाहिए रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है हाई क्वालिटी है। ठीक है, देख सकते हैं कि मैंने हाई क्वालिटी पे सेट की है और बेसलाइन जो है स्टैंडर्ड ही रखी है। और ओके कर दिया, मेरी तस्वीर सेव हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि मेरी तस्वीर सेव हो गई है। ठीक है, देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दिया है मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही अपनी बहुत सारी अपने भाइयों के लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा, तालीमी वीडियोस। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को बताइए और यहाँ से सीखें। मैं हर हफ्ते जो है यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो डालता रहूँगा आपकी एजुकेशनल के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।